आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर चिराग यूथ फाउंडेशन के द्वारा भोगीपुरा क्षेत्र स्थित ग्रीन हाउस में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पर्यावरणविद लोगों ने प्रकृति संरक्षण पर अपने विचार रखे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो ऑक्सीजन जिसकी खोज में पिछले दिनों लोग मारे मारे फिरे और फिर भी नहीं मिली उन्हें, वो ऑक्सीजन कुछ पौधों में मौजूद है। अगर ये बात घर घर में पहुँच जाए और वो पौधे घर घर में पहुँच जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं कि आदमी ऑक्सीजन के पीछे भागे, और उस ऑक्सीजन को लेकर के ही उसके अंदर खुद ऑक्सीजन कभी नहीं होगी। मैं आगरा शहरवासियों से यह अनुरोध करूँगा कि हम लोग पौधे भी देने को तैयार हैं, आप लोग केवल इतनी जिम्मेदारी लीजिए कि उस पर पानी डाल दीजिए। हम लोग खाद भी देने को तैयार हैं। हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी खाद के बारे में बताएं, घर की वेस्टेज के बारे में हम इनका एक इंटरव्यू आपको लोगों को दिखाएंगे बहुत जल्दी कि घर के वेस्टेज पदार्थों से खाद बनेगी। आपको कुछ नहीं खरीदना है, पौधे भी चंद्रशेखर शर्मा जी और चिराग यूथ फाउंडेशन की समिति उपलब्ध कराएगी। आप केवल पौधे लगाइए, प्रकृति से प्रेम स्नेह लगाव रखिए, और जिस तरह अपने घर में रोटी खाकर बच्चों को पैदा करते हैं उसी तरह से बच्चे को भी एक पेड़ को भी बड़ा बड़ा करिए। हो सकता है हमें नहीं तो हमारे आने वाली नस्ल को याद रखेगी, और वो पेड़ एक नहीं पता नहीं कितने का जीवन बचाने का काम करेगा। पर्यावरण से प्रेम करिए। हमने जंगल काटे हैं, वन काटे हैं, पेड़ पौधों का कटान किया है, तो अब इस मुहिम में हम निकलें। ये प्रकृति हमें समझा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और चूंकि हम आगरा वासी हैं तो आगरा में वो प्लांटेशन जरूरत से ज़्यादा की जाए जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट हो, जिससे हमारे शहर का कल्याण हो, और ऑक्सीजन की कमी तो कम से कम ना रहे, ये तो प्रकृति ने हमें सिखाई दिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि लोग अपने घरों में कम से कम एक दरख्त जरूर लगाएं। देखिए, इस कोरोना महामारी में सबने अपने एक हुए हैं, मैंने भी अपनी माताजी को खोया है। जो ये पर्यावरण प्रोजेक्ट हम चला रहे थे वो सीनियर थी हमारी संस्था की, उन्हीं की देखरेख में हमने करा। तो आज पूरी टीम ने ये यहाँ प्रण लिया है कि उनकी याद में हर चौराहे पे, हर जहाँ पे हम लगा सकते हैं पीपल बरगद जैसे पौधे जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, उन पौधों को उनकी स्मृति में लगाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ऐसी जिससे हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े और लोगों की जान बच सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस कार्यशाला का आयोजन